तो भाई निकल तो गए घर से, लेकिन अभी किधर जा रहे हैं ये पता नहीं। नासिक हाईवे टच कर लिया है, एक करिश्मा ढाबा। तो बच्चे भी थोड़ा नाराज हो गए, यहाँ पे रुके टी ब्रेक के लिए, और कॉल चले गया आगे मिनिस्टर को। ऐसा था कि फॉग ने तो बना दिया पागल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो बड़े हैं उनको सत श्री अकाल, नमस्ते, और जो छोटे हैं उनको कैसे हो छोटो। तो कल तो आपने देख लिया भीरपुरी का व्लॉग, और आज जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे, अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है फैमिली का। लेकिन आज है हमारे पास हमारी स्कॉर्पियो ब्लैक माफिया लुक, देखिए। तो मिलते थोड़े टाइम में और बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। चलो भाई, वेलकम बैक अगेन इन माफिया स्कॉर्पियो विथ थार एंड फोर्ड फ्यूजन। चलो भाई, निकल तो गए घर से, लेकिन अभी किधर जा रहे हैं ये पता नहीं। ये आगे वाली गाड़ी को पता है, यहाँ पे सब है, यही लेके जा रहे हैं, सरप्राइज है। तो देखते हैं कहाँ चलते 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 आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, जैसे कुछ पता चला, आइडिया लगा। और बाकी कल वाली चिलर पार्टी है, ये अपना बॉडी गार्ड आगे, और बाकी के तीन चिलर पीछे है, साथ में पीछे एक लास्ट में सरदार जी छोटे वाले पीछे, एकदम दिख रही है उनकी मुंडी आपको। तो चलो मिलते फिर थोड़े टाइम में। कल्याण से निकल के ये सावत नाका हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भनक नहीं लगी कि हमको जाना कहाँ है। अभी ले रहे हैं यहाँ से राइट, सॉरी लेफ्ट ले रहे हैं, सेंट लॉरेंस स्कूल वाला लेफ्ट। ये अभी आगे फोर्ड भी अपनी चल रही है, माफिया फोर्ड, और पीछे है अपनी माफिया स्कॉर्पियो ब्लैक कलर, मिरर में आपको दिखेगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। भाई किधर चल रहे हैं बच्चे लोग, आप लोग को पता कि नहीं? फॉग सिटी जा रहे हैं। फॉग सिटी, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, फॉग सिटी कौन सी है। चलो देखते हैं आगे। फाइनली नासिक हाईवे टच कर लिया है कल्याण से, तो ये अभी यहाँ से लेने वाले हैं राइट, लेकिन पता नहीं अभी जाना कहाँ है, अभी तक सस्पेंस है। ये लोग तो बोल रहे कौन सी फॉग सिटी है, वहाँ जाना है। तो देखते हैं अभी कौन से रोड पे होते, शाहपुर से आगे बताते हैं। दो बने रहो। ये सब आजू बाजू में ढाबे क्रॉस होते हुए, सिद्धूगढ़ा ढाबा, और यहाँ पे शंगरीला क्रॉस हो गया, ये करिश्मा ढाबा लेफ्ट हैंड साइड में, और बाजू में ये केटीएम छपरी, छपरी जा रहे हैं अंधेरे में फॉग देखने, अंधेरे में फॉग देखने जा रहे हैं। इसकी मम्मी को अंधेरे में फॉग देखना है। एंटर करते हुए पेट्रोल पंप में भारत पेट्रोलियम नियर पड़गा। भाई अपनी गाड़ी में तो पेट्रोल लगभग खुली लग रहा है, देखते हैं अभी वो गाड़ी में भरवाना है। छोटी गाड़ी में यहाँ पे रुके टी ब्रेक के लिए, ये लोग सब अभी पी रहे चाय, और ये बैठी हुई अपनी सिमरन बॉडी बिल्डर स्कॉर्पियो माफिया पे। हम निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप से निकलते हुए चाय वगैरह पी ली, बहुत सारी फोटोज क्लिक करा ली, अब निकले हैं आगे नासिक रोड पे, लेकिन देखते हैं अभी आगे कहाँ तक पहुँचते हैं, बताएंगे आपको। चलिए, चाय बहुत बढ़िया बढ़िया थी, मस्त थी, बहुत स्वाद थी, बहुत अच्छी थी, जो सेकंड टाइम थी वो थोड़ी अजीब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ओके, मिलते फिर। पड़गा का टोल टैक्स फीस 135 रुपीज़ वन साइड है, और है हमारा बाजू बाजू में बॉडी बिल्डर बैठा है, ये पेड़ करेगा। हाँ हम थोड़ी करेंगे कर रहे हो। टोल टैक्स पे करते हुए, और कॉल चले गया आगे मिनिस्टर को, और दोनों का पेड़ हो गया। पड़गा का टोल टैक्स पेड करते हुए निकल गए आगे, अभी देखना पड़ेगा अपनी कहाँ गई बूढ़े लोग की गाड़ी। बूढ़े लोग की गाड़ी आगे चले गई, बूढ़े लोग की गाड़ी आगे चली गई, देखते हैं अभी कहाँ गई, आगे निकल गई, बहुत वो जा रही है आगे। अभी अंधेरे को मरते नजर रखते हुए थोड़ा रोशनी में जाके ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो ब्लॉग बना के कुछ मतलब ही नहीं है। तो आगे चल के जहाँ रोशनी होगी वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे। ये बॉडी को, अब ये बॉडी बिल्डर पूछ रहा है कि मैं बॉडी बिल्डर क्यों, अभी आप इसको जवाब दो कि मैं बॉडी बिल्डर क्यों। प्लीज आपकी बारी, चलिए मिलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं जहाँ होगी रोशनी, रोशनी मतलब उजाला, वो रोशनी नहीं।
दण लगिया बारिशां ते सुखे सुखे सपने भी भिज गए। नैना लगिया बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, हर पल हर लम्हा। तो भाई ऑफ रोडिंग आ गई तगड़ी वाली, बस स्टार्ट होगा कसारा घाट। तो वापस अभी रुकेंगे चाय पीने, और ये हमारा बॉडी बिल्डर डरता है कसारा घाट से, देखते हैं। फाइनली आ गए अभी एक और टी ब्रेक के लिए कसारा घाट के पहले ही। ये अभी हम लोग रुके कुछ होटल साई पार्क पे रुके हैं, जो कि चाय वगैरह पीने के लिए चाय ब्रेक एक और ले ली, क्योंकि रात का टाइम है, चलाने वाले को भी नींद आ रही है, तो चलो एक और चाय ब्रेक ले लेंगे। और अपनी फोर्ड फ्यूजन में कुछ लाइटिंग वायरिंग का प्रॉब्लम आया था, वो भी क्लियर कर दिया, तो चलिए अभी हम लोग भी चाय पीते हैं। अभी यहाँ से निकलते हुए अपनी माफिया स्कॉर्पियो में बैठते हुए अभी निकलेंगे। सब आ गए पिल्लर पार्टी बाथरूम होके। सो फाइनली पहुँचते हुए कसारा घाट, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये सब आजू बाजू में होटल्स ढाबे वगैरह आ गए। तो क्या बोलते हैं हमारे बॉडी बिल्डर, अभी आएगा मजा, तो डराएंगे अभी? नहीं डराएंगे, क्योंकि आज है स्कॉर्पियो है ना, लेकिन कल डराया था तो कैसा है ना कि कोई बंदा बीमार हो गया था, इसके लिए अभी नहीं, आराम आराम से चलेंगे। तो फिर क्या बोलते हैं, आराम से चलना ना। चलो काली काली फोटो आ रही से सब होटल वगैरह यहाँ पे ढाबे, चाय पकौड़ा बिस्किट जो चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा, ऑमलेट ब्रेड अंडा सब। और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया कसारा घाट, देखो मैंने लाइट भी फुल कर दी, सब चढ़ रहे हैं हम लोग घाट। चलो जब तक आप सिनेमैटिक चेक करो। दण लगिया बारिशां ते सुखे सुखे सपने भी भिज गए। दण लगिया बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। काली काली खाली रातों से होने लगी हर पल हर लम्हा, मैं कैसे सहता हूँ हर पल हर लम्हा, मैं खुद से ये कहता रहता जी आया, मैं भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया।
चालू हो गई फॉग, यहाँ पे फॉग सिटी आ गई। अब ये हम लोग कसारा घाट चढ़ चुके ऊपर, लगभग इगतपुरी के आसपास हैं। फॉग ये आ गए हम लोग मानस रिसोर्ट। क्या हुआ भैया? भाई कल्याण से तो निकले हम लोग नासिक हाईवे पे, कसारा घाट चढ़े, मानस रिसोर्ट पहुँचे, इगतपुरी से यू टर्न मार लिया। कुछ समझ में नहीं आया। कल भी हमारे साथ चीटिंग हुई थी, बारिश मिली नहीं। आज भी हमारे साथ चीटिंग हुई, फॉग मिला ही नहीं है। बच्चों की रील भी नहीं बनी और हम तो अंधेरे में ले, अंधेरे में घूम के वापस। चीटिंग है यार ये, चीटिंग ऐसा नहीं होता है। भगवान, ये बड़े लोगों की चीटिंग करता है तू। नहीं नहीं वो कार नहीं, आपको नहीं बोला सर, वो कार वाला बोलता मेरा नाम भगवान है, और आपको नहीं बोला मैंने। चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं अभी वापिस, धीरे धीरे देखते भी रास्ते में कहीं रुकेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे अभी एक स्टॉप लिया था मानस सिटी से आगे जाके, मानस रिसोर्ट से आगे जाके यू टर्न लिया, और यू टर्न लेके हम लोग यहाँ पे अभी फॉग सिटी बोलते हैं यहाँ पे रुके। लेकिन इतना कुछ फॉग अभी ये टाइम पे है नहीं, तो बच्चे भी थोड़ा नाराज़ हो गए, बोलते कि ये कहाँ लेके आए, यू टर्न ले लिया, उनको लगा कहीं और लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी आगे, रुकते हैं कहीं पे, बताते हैं आपको आगे का क्या है। बाकी आप नज़ारा देख ही सकते हैं, यहाँ पे पूरा हाईवे ही है, ये ऐसे है, ये रहा वो अपनी गाड़ी, स्कॉर्पियो खड़ी है, फोर्ड खड़ी है। तो चलिए अब निकलते हैं आगे, बताते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। बाकी सब भी यहीं खड़े हैं, सब मजाक कर रहे हैं, अपने बच्चे लोग भी देख सकते हैं आप लोग, ये रही है ऐसे। चलेगी क्या, ग्लास पड़ा है खाली भरेगी क्या, साथ थाईलैंड से डरेगी क्या, अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या, हैं हद तो गई, हद से आगे भी बढ़ेगी क्या, नौ एक कड़म में फारम फारम पे घोड़े घोड़े पे चढ़ेगी क्या, वन टू थ्री गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहे टकते नहीं, बढ़ते हैं गाड़ी मेरे लिख ले कहीं, चल निकले कहीं। आ चलो भाई अभी फॉग सिटी से निकलते हुए बाहर, मजा तो शायद बच्चों को आया नहीं किसी को, बस खाली फोटो है सबने क्लिक कर ली, और वापस निकल पड़े कल्याण की तरफ, मतलब टूवर्ड्स कल्याण। तो किसको मजा आया क्या भाई, कोई बताओ क्या किया? खाली फोटो क्लिक की और कुछ नहीं यार। चलो कोई बात नहीं, आगे चल के इनका अभी पोपट हुआ, लेकिन आगे चल के हम कबूतर करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो ओके मिलते हैं थोड़े टाइम। सीन ऐसा था कि फॉग ने तो बना दिया पागल, फॉग तो आया नहीं वहाँ पे फॉग सिटी में। वहाँ से हम रिटर्न आए, रिटर्न आते टाइम हम लोग भिवंडी में शामियाना ढाबा पे रुके, वहाँ पे अभी खाना खा रहे हैं, और खाना खा के निकलेंगे फिर यहाँ से। आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ कैसा है शामियाना ढाबा। तो ढाबे का लुक कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे फाउंटेन बना है, और ये बॉडी बिल्डर देखो ये दोनों भाग रहे हैं। चलिए थोड़े टाइम में मिलते हैं आपसे, खाना खा लें फिर मिलते हैं आपसे, फिर तो क्या फिर घर जाके ब्लॉग ही एंड करना है। और ये लोग अभी झूला खाते हुए मस्ती, ये देखो हाँ ये दो बड़े छोटे बच्चे।
चलो भाई फॉग ने तो बना दिया पागल, घूम फिर के आगे खाना खा के शामियाना ढाबे से अभी कल्याण पहुंच गए, अभी 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे और आपको फाइनल बाय बाय करते हैं, ठीक है? चलो फॉग सिटी से आ गए थे तो व्लॉग एंड नहीं कर पाए थे, बारिश बहुत थी इस वजह से अभी व्लॉग एंड कर रहा हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन बाइक राइड कर रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, स्ट्रैप लगाइए और खुद की भी सेफ्टी रखिए, रास्ते में चलने वाले की भी और अपनी फैमिली की भी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन ओके बाय बाय, थैंक यू।